अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा दूसरा लेक्चर आईकॉम पार्ट टू, पार्ट वन, चैप्टर नंबर 7, सेट ए, क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज के इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि किस तरह हम एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और सबसे पहले तो वेलकम अपने तमाम स्टूडेंट्स को, अपने चाहने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर इनको पुरानी वीडियोज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो काइंडली ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास जो फर्स्ट स्लाइड आ रही है, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन है जी, सॉल्व वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर इक्वेशन हो 2√x इज इक्वल टू एक्स माइनस 8। देखें, इसमें सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अगर हमने सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने किसी तरह अनरूट को ख़त्म करना है। तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट स्टेप में हमने 2√x इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 का में हम अगर देखा जाए तो 2√x, हमें अनरूट एक्स नज़र आ रहा है, किसी तरह इस अनरूट को ख़त्म करना है। तो अनरूट को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे स्केयर अप्लाई कर दिया। तो हमने बोथ साइड पे जब स्केयर अप्लाई किया, तो 2√x का ऊपर होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 8 के ऊपर होल स्केयर। तो ये 2 का स्केयर हमें पता है 4 हो जाता है, और अनरूट एक्स का स्केयर एक्स होता है। अब यहाँ पे ऑपोजिट साइड पे हमारे पास एक्स माइनस 8 का होल स्केयर है। तो यहाँ पे हमने ए माइनस बी के होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगाया, और वो कैसे होता है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस 2ab। अब ये 4x एज इट इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर एज इट इज़। 8 का स्केयर कितना हो जाएगा, 64, और 8 2 16x। अब ये 4x पॉजिटिव का था, इक्वल से दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया, एक्स स्केयर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमने इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। हमें पता है 64x² हमें चाहिए था, और हमें प्लस माइनस करें तो -20 चाहिए था। तो हमने इसके फैक्टर बना लिए, और फैक्टर बनाने के बाद हमने एक्स स्केयर माइनस 16x में से हमें बोथ साइड पे एक्स नज़र आ रहा था, तो हमने एक्स इधर से कामन ले लिया। अगला पेयर जो है -4x प्लस 64 है, तो मैंने -4 यहाँ से कामन लिया, तो मेरे पास पीछे एक्स माइनस 16 बच गया। अब एक्स माइनस 16 बोथ साइड पे है, कॉमन पेयर है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। उसके अलावा हमें एक और पेयर नज़र आ रहा है, एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 16 को भी हमने 0 के बराबर पुट किया, एक्स माइनस 4 को भी हमने 0 के बराबर पुट किया। ये एक्स माइनस 16 है, ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ये एक्स माइनस 4 है, इक्वल के ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और यही हमारा सोल्यूशन सेट है कि हमने एक्स की दो वैल्यूज फाइंड कर ली हैं, एक वैल्यू है 16 और दूसरी वैल्यू है 4। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर किसी चीज़ की या किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी इसका क्विक रिस्पांस दिया जाएगा।